विश्वात्मा विहित विषयान् राश्य भोगान् सविष्ठान् अस्वाचान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषां स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनर्विशनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् आत्मसौ नास्तु लीयः। अथर्ववेदीय मार्दुक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते कल हम अपने चौथा मंत्र तक पहुंचा था, ठीक है ना। ये किसका विस्तार है? स्वयं आत्मा चतुष्पाद, उसमें चार पाद अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। यही आत्मा व्यापक असंग पूर्ण है और ये मंत्र अधर्म दृष्टि से ये चार पैर होना, क्योंकि बोला था जिनको निराकार निरवय है उसमें एक दो पैर होना भी संभव नहीं, चार पैर कहाँ से लाया आपने, ये बोला था। यहाँ पे बोलते हैं अध्यारोप प्रक्रिया में इतना मात्र अध्यारोप करने से हमारा काम मान जाता है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन में अवरोध दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे अध्यारोप प्रक्रिया के माध्यम से पहले पाठ में दिखाया कि ये जागृत स्थान होता जागृत वस्तु में अभिमान करने वाले, स्थूल वस्तु में अभिमान करने वाले हैं। ये बाहरी विषय का ज्ञान इसका हमेशा रहता है, मतलब अपने स्वरूप को छोड़ करके सभी बाहरी विषय उसका ज्ञान इसका रहता है। और सप्तांग एक विषय के उनको स्थूल अंग को दिखा करके बोल रहे हैं कि 21 इसका जो है सात इसका अंग है, सर आँख मुँह और क्या धर वस्तुदेश और पैर, सात इसका अंग यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें एक विक्षति मुख मतलब करण के रूप में इनका जो है 19 मुख के माध्यम से खाता रहता है, भोग करते रहते हैं। परंतु यहाँ पे कब स्थूल वस्तु को भोग करते हैं, ये जो व्यष्टि अभिमानी स्थूल व्यष्टि अभिमानी चेतन इनका नाम है विश्वन, स्थूल व्यष्टि अभिमानी चेतन का नाम है विश्वन। परंतु ये अलग नहीं है, यही जो है आध्यात्मिक में जो है वही आधिदैविक में है, इसी को विराट के साथ एक करके दिखाया गया है। और इसी अभिप्राय से बोलते हैं इसी प्रकार जो व्यष्टि सूक्ष्म अभिमानी चेतन जो तेजस है उसके साथ हिरण्यगर्भ मतलब समष्टि सूक्ष्म चेतन का भी एकत्व है, उसी प्रकार प्राज्ञ और ईश्वर का भी एकत्व है, वहाँ पे निर्विशेषता को समत्ता को लेकर के एकत्व है। कल हम लोगों ने चौथा मंत्र को पढ़ लिया था, ठीक है ना, पढ़िए एक बार एक साथ मिल करके पढ़ेंगे चौथा मंत्र। सप्तस्थानो अंतः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिः प्रतिविद्भुक्तैर्यशोदितिः पादः। यहाँ पे वहाँ भी सप्तांग बोला एकोनविंशति भू बोला, यहाँ भी सप्तांग बोला एकोनविंशति भू बोला, वहाँ पे स्थूल को लेकर के कहा गया, यहाँ पे सूक्ष्म को लेकर के कहा गया। स्थूल मतलब आपको गोलक दिखेगा और सूक्ष्म मतलब क्या है, गोलक रहित इंद्रियों को कंसेप्ट के लिए बोल रहा है, अर्थात गोलक के साथ इंद्रियों को ग्रहण करके यदि हम देखेंगे यहाँ पे। इसका ऊपर जो हम लोगों ने टीका भी एक लाइन भाष्य भी पढ़ लिए थे, स्वप्न स्थान तेजस स्वप्न स्थान बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे कर्म दरद सृष्टि समस्त नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं वो एक अभिमान मात्र है, ये अभिमान मात्र स्वप्न में क्या देखता है, मैं राजा बन गया। मैंने एक मजे की बात बताऊँ, दो दिन पहले मैं एक सपना देखा, दो दिन पहले वो सबके सामने तो अवधेर में जाएगा, जैसे मेरे साथ इमरान खान का बात हो रहा है, इमरान खान पाकिस्तान के, वो मेरे थोड़ा क्रिकेट अच्छा लगता है ना, तो हमारे समय में उसका संधिराज था, अब वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, किसी तरह से मैं वहाँ पर पहुँच कर मिला। अब वो बोल रहे हैं कि भौतिक जगत को लेकर, तो मैं भी समय बोला कि सर भेद विवाद क्यों कर देगी आत्मा की, वो तो रहने दीजिए, ये देखिए भौतिक जगत कैसा स्थित है। मैं बोला वो जीवन की एक दिख है, जीवन की दूसरा दिख है, शांति से जीना चाहते हो, लड़ाई झगड़ा करके जीना चाहते हो। मैं बाद में सोचा कि कहाँ से कहाँ पहुँचा भाई, कैसे कैसे इमरान खान कैसे कमा, ये सपना एक अभिमान मात्र है, ये सपना है एक अभिमान मात्र है, मैं उनका साथ पहुँच गया था उनसे बात,
कि एक हाँ कोई वासना रहा होगा, कुछ ऐसा होगा, वो इस रूप में व्यक्त होकर के सामने आगे आस्ते आस्ते ये सोच रहा था कि कैसे हुआ, यही सपना का इधर चल रहा है और उधर कुछ संस्कार रहा है कि क्रिकेट का, तो इमरान खान का और जो और भी जो साथ में थे वो भी कुछ क्रिकेट के लिए सफेद ड्रेस वाले थे, वो उन्हें उसका पता नहीं, मैं उनके साथ हमारे पार्ट था, ये अभिमान एक होता है मन का, द्रष्टुर मम अभिमानस्य विषय भूतम्, दृष्टा का जहाँ पे मम अभिमान किया है ना उसका विषय रूप में दिखाई पड़ता, तो विषय रूप में दिखाई पड़ता है विषय भूतम की लिया। मैं कल बताया था कोशी वस्तु का निरूपण करने के लिए जिसको आप जानते हैं है, उसको मतलब सामने रख करके उससे समरूपता क्या है और विरूपता क्या है दोनों रूप से समझाया जाता है, वैषम्य और साधर्म दोनों कथा समझाया जाता है। अब जो है कि उसमें से व्यावर्त क्या है और गणित क्या है, ये दोनों को समझाया जाएगा, इसीलिए आप बोलते हैं स्वप्न पदार्थम निरूपयतुम तत्कारणम निरूपयति, है ना, स्वप्न पदार्थ को निरूपण करने के लिए स्वप्न का कारण क्या है उसका निरूपण करना चाहते हैं भगवान भाष्यकार, निरूपयति भगवान भाष्यकार, हाँ निरूपयति का कर्ता कौन होगा, टीकाकार बोल रहे भाष्यकार के लिए, निरूपयति भगवान भाष्यकार, स्वप्न पदार्थम निरूपयतुम, स्वप्न पदार्थ को निरूपण करने के लिए तत्कारणम, स्वप्न का जो कारण क्या है वो समझने हमको अच्छी तरह से, है ना, निरूपयति उसका निरूपण करते हैं, क्या बोलते हैं जागृत प्रज्ञा, है ना, जागृत कालीन जो हमारा ज्ञान होता है जागृत प्रज्ञा, अनेक साधना जागृत प्रज्ञा आपको अनेक मतलब इंद्रिय चाहिए, विषय चाहिए, मन चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको अलग अलग प्रकार की इंद्रिय, ये अनेक प्रज्ञा वाला होता है, अनेक साधन से भी होता है, ठीक है ना, अनेक साधना मतलब हमको उसको उस वस्तु को जानने के लिए अनेक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अकेले में काम होने वाला नहीं, अनेक साधन, क्योंकि आगे मन में बोलेंगे एक ही है और कुछ नहीं है, मन हमको वहाँ पे विषय भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, मन भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, केवल अकेला मन ही अपना कमाल करके दिखाते हैं, आत्मा की अस्तित्व तो कॉमन है, वो तो सब जगह पे सामान्य रूप से विद्यमान रहते हैं, अनेक साधन, फिर क्या बोलते हैं बहिर्विषय इव अवभासमाना, तो देखिए बाहरी वस्तु कहते हैं बाहर बाहर विद्यमान है जैसा प्रतीति होती है, बहिर्विषय इव यहाँ इव लगा के दिखाया है नहीं बाहर कुछ, बाहर शुद्ध चेतन ही है, तो हमारी वृत्ति के साथ अंदर चेतन अंदर भी है बाहर भी है, तो अब हमारी अंतकरण वृत्ति के साथ तो चेतन क्या होता है लाइट उसको बाहर प्रोजेक्ट कर देता है ना, मैं इसलिए बोला था कि जो होलोग्राफी होते हैं होलोग्राफी का वस्तु नहीं है, होलोग्राफी प्लेट में आप सामने देख सकते हैं यही है वास्तविक नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि विषय बहिर्विषय इव अवभाष माने अवभाष मान मतलब प्रतीति मात्र होता है वास्तविक को नहीं है, और क्यों होता है सर मनस्पंद मात्र इसका जस्ट मेंटल वाइब्रेशन मतलब मनोवृत्ति, मनस्पंद मतलब क्योंकि आगे आएगा ना कि औलाद के स्पंदन से एक लकड़ी के माथे में आग लगाया उसमें कोई आकार नहीं है, जैसे आप उसको घुमाना शुरू करेंगे तो भिन्न भिन्न आकार दिखते ना, ये मनस्पंद मात्र से ये मनस्पंद मात्र सती केवल मात्र मन के स्पंदन मात्र होता हुआ तथा भूत संस्कार मतलब जैसा जागृत में देखा था उस जागृत वस्तु संस्कार संबंधित जो संस्कार उस प्रकार संस्कार मनसी आधत्ते मन में आधान कर, ये हो गया आपका जिसके लिए स्वप्न के पीछे कारण है, ये स्वप्न देखिए क्या बोला स्वप्न पदार्थ निरूपयतुम जागृत तत्कारण निरूपयतुम, उसका कारण क्या है तो उसका कारण दिखाने के लिए भगवान का शब्द है जागृत कालीन जो बोध अथवा ज्ञान हमको होता है जागृत प्रज्ञा जो अनेक साधन से होता है और बाहर अवभास जैसा होता है, बाहर नहीं दिखता नहीं बोलता बाहर प्रतीति होती है उसका, बाहर है जैसे प्रतीति होता है, और वो क्या होता है वो क्यों देखते हैं बाहर क्योंकि एक मनस्पंदन मात्र है, और वो मन में जो स्पंदन हुआ ना जिस प्रकार देखिए कि आप जैसे बाहर में कोई वस्तु आपको हिलता हुआ देखा वो बंद हो गया मतलब कुछ देर तक मन में उसका एक रेजोनेंस जैसे चलता रहता है, एक मतलब अनुवृत्ति जैसा चलता रहता है, और वो उसका अधिक अनुवृत्ति चलेगा जहाँ पे मन अधिक चिपक जाएगा उसका अनुवृत्ति अधिक होता है,
जहाँ पे अधिक नहीं होता ठीक है, थोड़ी देर के सोच कर फिर रुक जाते हैं, अपने आप ही निकल जाते हैं। इसे मनस्पंदन मात्र सती तथा भूत संस्कार, जिस प्रकार से मनस्पंद भारी वस्तु है नहीं, परंतु भारी वस्तु को देख करके मन में जैसा स्पंदन हुआ, मत स्पंदन क्या, उस वस्तु पे एक इंप्रेशन हमने मन में डाल दिया, बाहर तो वस्तु ही है, और उसके साथ एक और क्या किया, उस वस्तु के इंप्रेशन के समय उसके साथ एक अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि भी हमने बना ली। वो मन तो केवल इंप्रेशन लिया, अनुकूलता प्रतिकूलता चित्त में डाला और अहंकार उसको ठप्प मार दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के इतना काम किया। मन तो भारी विषय को ला करके केवल मात्र एक चित्र ऐसा बना, चित्त भूमि वहां पे क्या करते हैं, वहां पे बोलेंगे चित्त भूमि वहां पे क्या करते हैं, वहां पे अच्छा बुरा पूर्व के संस्कार के अनुसार वहां पे अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि बनाती है, ये बुद्धि आ गया वहां पे अनुकूल प्रतिकूल है, और उसमें अहंकार क्या करते हैं, इंप्रेशन के ठप्प मार दिया, संस्कार बैठ जाते हैं और वही फिर बात अन्य समय में आकर के बाहर स्वप्नों के मनसी आधत्य मन में आधान करते संस्कार। ये हो गया आपका मतलब स्वप्नों के हेतु, स्वप्न के हेतु क्या वो दिखाएगा, इसी को देखिए हमारे आनंद गिरी जी लिखते हैं, तस्या स्वप्ना वैधर्मार्थम विशेषम आह। ये जो तस्या मतलब जागृत प्रज्ञा है, ठीक है ना, तस्या देखो पहले क्या है, जागृत प्रज्ञा भाष्य में, उस जागृत प्रज्ञा का सपना स्वप्निक प्रज्ञा से, देख मैं क्या बोला, किसी वस्तु को समझाने के लिए आपको पहले जिसको जानते हैं उसका समता विषमता दोनों दिखाना पड़ता है, ये तो हमारी मनोकल्पित नहीं है, हमको पुस्तक से मिलता है, व्यवहारिक जगत में भी ऐसे ही है, हर जगह पे ये भी एक ये जो है ना ध्यान रखना है, इसको किसी को कोई चीज आप समझाने जाएंगे, कोई चीज समझाने आपने जो शब्द प्रयोग किया अपने मन में क्या रखा है, इस शब्द से ग्रहणीय क्या है और इस शब्द से अग्रहणीय क्या है, दोनों बोलना पड़ेगा तब उसको समझना है, है ना, इस शब्द से ग्रहणीय क्या है और अग्रहणीय क्या है, दोनों माने व्यावर्त्य और ग्रहणीय दोनों दिखाने से उसको समझ में आ जाता है कि इस शब्द से हमने इसलिए प्रयोग किया, तो इस शब्द इसलिए प्रयोग किया, ये इसमें से ये ग्रहणीय नहीं है, इतना ही मात्र ग्रहणीय, इसलिए आप देखिए व्यावर्त्य दिखाएगा, तस्या स्वप्नात् वैधर्म वैधर्मार्थम विशेषणम, मतलब स्वप्न तस्या मतलब जागृत प्रज्ञायाः, ठीक है, जागृत प्रज्ञायाः तस्य प्रदर्शितलिंग है, तस्या स्वप्ना स्वप्न से वैधर्मार्थम विषमता को दिखाने के लिए विशेषणम आह, जागृत प्रज्ञा का विशेषण दिया, क्या विशेषण दिया, अनेक साधना, ठीक है ना, जागृत प्रज्ञा का अनेक साधना भी है, प्रज्ञा का विशेषण है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, अनेक साधना, अनेक साधन चाहिए आपको, मतलब जागृत वस्तु को देखने के लिए जागृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको विषय भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, मन भी चाहिए, ये सब वस्तु होकर अब सन्निकर्ष से भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, तब जाकर के अनेक साधन से आप जागृत वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए बोला अनेक साधन। स्वप्न में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न विषय चाहिए, न इंद्रिय चाहिए, न प्रकाश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप सब कुछ बना लेते हैं, भाषा से न ज्योतिष अभी आएगा पंक्ति, अच्छा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, टीकाकार देखिए क्या लिखते हैं, ये अनेक साधना इसको लेकर लिखते हैं, अनेकानि विविधानि साधनानि करणानि यस्य सा तथा इति यावत्, ठीक है ना, ये सा क्यों बोल रहे हैं, प्रज्ञा के लेकर के बोल रहे हैं, प्रज्ञा, ठीक है ना, इसलिए सा क्या होगा, तो अनेक मतलब अनेकानि, अनेकानि माने विविधानि है ना, साधनानि, साधनानि मतलब करणानि, मतलब जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, करणानि यस्य, जिस यस्य प्रज्ञाया, जिस प्रज्ञा का, सा प्रज्ञा तथा अनेक साधना प्रज्ञा, देखिए अनेक, देखिए तो क्या हो गया कि बहुत बड़ी समस्या, अनेक साधना, जिस प्रज्ञा के लिए अनेक प्रकार की साधनता, अनेक साधना का किसको दिखा रहा है, प्रज्ञा को दिखा रहा है, बोध, जागृत कालीन बोध, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं जागृत प्रज्ञा अनेक साधना, तो मतलब अनेक आने विविधाने करणानि यस्य, ये देखिए जहाँ जिसका जैसे ये कहते हैं वो भी समझ लो, अनेक साधना ये बहुत भी समझ लो करके, सा तथा, सा प्रज्ञा तथा मतलब सा प्रज्ञा अनेक साधना, सा प्रज्ञा अनेक साधना, प्रत्येक शब्द का अर्थ ठीक से समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, इति यावत्। विषय दारकम अपि वैषम्यम दर्शति, एक तो एक विषमता क्या दिखाया, वहाँ पे अनेक साधन चाहिए, यहाँ पे केवल एक मन ही साधन चाहिए, अच्छा अब विषय की दृष्टि में भी, साधन के दृष्टि में भी यहाँ पे अनेकता है, विषय दृष्टि में भी अनेकता है, विधर्मता है,
क्यों? यहाँ पे विषय स्थूल रूप में सामने होता है और स्वप्न में कुछ भी विषय नहीं है, इसलिए हमें बोलते हैं विषय द्वारकम अपि वैषम्य, विषय को माध्यम बना करके भी विषमता को दिखा रहे। जागृत प्रज्ञा और स्वप्न प्रज्ञा में विषमता को दिखाने के लिए विषय को भी सहारा दिया। पहले इन करणों को समझो, एक होता है करण और एक होता है कर्म, करण में अनेक विषमता है, फिर कर्म मतलब विषय, विषय में भी विषमता है, इसलिए हमें बोलते हैं ये विषय द्वारकम अपि, विषय को माध्यम बना करके भी ये स्वप्न प्रक्रिया जागृत प्रक्रिया में विषमता है, है ना। वैषम्यम दर दिखाते हैं, क्या दिखा? बहिर्विषय इव, है ना, बहिर्विषय इव। और यहाँ पे अंतःप्रज्ञ बोल करके आया, यहाँ पे तो बहिर्विषय प्रज्ञा है, इसीलिए बोलते हैं बहिर्विषय। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं बाह्यस्य बाहरी विषय का, बाहरी विषय का कौन है विषय? शब्दादेर विषयस्य, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय तो पांच ही होता है ना, उस विषयों का विषयस्य शब्दादेर विषयस्य बाह्यस्य अविद्या विवर्तत्वेन, ये अविद्या का विवर्त है, विवर्त मतलब अतात्विक अन्यथा भाव, अतात्विक अन्यथा भाव, विवर्त मतलब क्या है? मतलब है एक प्रकार से वस्तु, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हुए उसको अन्य रूप में दिखा देना, इसे कहते हैं विवर्त भाव। इसलिए अन्यथा भाव मतलब जैसा है उसका अन्य रूप में दिखाई दे रहा है, अन्यथा भाव, एक जथा भाव और एक अन्यथा भाव। अतात्विक मतलब आपका वहां पे एक है परिणाम भाव, तात्विक अन्यथा, अतात्विक अन्यथा भाव, तात्विक अन्यथा भाव परिणाम भाव है, मतलब घरा मृत्यु का घरा रूप में परिणत हो गया, ये हो गया तात्विक अन्यथा भाव। अतात्विक अन्यथा भाव मतलब क्या हो गया कि वास्तविक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ परंतु उसको अन्य रूप में दिखाई पड़ता है, वास्तविक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ परंतु अन्य रूप में दिखाई, अतात्विक अन्यथा भाव। और तात्विक अन्यथा भाव हो गया परिणाम भाव, और अतात्विक अन्यथा भाव हो गया विवर्त भाव, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं विवर्तते, विवर्तत्वेन मतलब वास्तविक कुछ परिणाम नहीं होते हुए भी अन्य रूप में दिखाई देता है, इस कारण से वहां पे क्या किया, वस्तु तो अभावा पारमार्थिक, वहां पे वस्तु का उस वस्तु का अभाव है, अभाव न तद विषयत्वम अपि, इसीलिए वहां पे विषय का भी जो ज्ञान है तो यथार्थ यथार्थ प्रज्ञाया वस्तु, इसलिए उस प्रज्ञा उस विषय संबंधित जो प्रज्ञा है ना वो भी वास्तविक प्रज्ञा नहीं है। अब जिस प्रकार देखिए स्वप्न में हमने कुछ भी देखा, वो स्वप्न वस्तु भी देखा, स्वप्न वस्तु संबंधित ज्ञान भी हुआ, तो हम उठ करके अपने आप ही निश्चय करते हैं स्वप्न एक वस्तु स्वप्न संबंधित ज्ञान दोनों ही मिथ्या है, परंतु स्वप्न देखने वाला मिथ्या नहीं। क्या बोला? स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है, वो तो देखने वाला, दृष्टा मिथ्या नहीं है, दृश्य वस्तु मिथ्या होता है, यदि तभी तो निश्चय, तभी तो दृष्टा निश्चय कर पाएगा कि यहाँ पे जो मैं सोचा था जो मैं देख रहा था वो कोई पारमार्थिक है। स्वप्न दृष्टा हो गया, दृष्टु है, उस दृष्टा का कभी मिथ्या नहीं, दृष्टु दृष्टि विपरीत उस दृष्टि का मिथ्यात्व नहीं है। स्वप्न दृश्य वस्तु, स्वप्न दृश्य वस्तु का ज्ञान दोनों मिथ्या होते हुए भी, क्योंकि वो दृष्टा देखो अपने आप ही बोलते हैं जो मैं देख रहा था उस समय सकला था उसी मुझको अभी इस समय निश्चय किया कि वो मिथ्या है, यानी कि दोनों काल के एक ही व्यक्ति की मिथ्या मानते हैं, वस्तु वस्तु का विचार किया इसलिए वस्तु मिथ्या है, और जो व्यभिचार नहीं किया वो सत्य सही है, ये दृष्टा सत्य है, स्वप्न दृष्टा सत्य है। बाह्यस्य शब्दादेर विषयस्य अविद्या अविद्या विवर्तत्वेन, दोनों एक नंबर टिप्पणी है ना, अविद्या विवर्तत्वेन परिणाम, आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? परिणामत्वेन इति अर्थ, परंतु यहाँ पे परिणामत्वेन यहाँ पे नहीं लिखता तो अच्छा होता, विवर्तवाद आप यदि ये पढ़ेंगे ना हमारा वेदांत परिभाषा, वहाँ पे विवर्तवाद को लेकर कैसे परिभाषा दिया विवर्त शब्द का, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई परिणामवाद हम मानते ही नहीं, ठीक है हम सांख्यवादी के सिद्धांत को मानने का देख करके मान लेते हैं कि कार्य कारण भाग्य, पर बाद में हम कार्य कारण दोनों को निषेध कर देते हैं, और उन्होंने तो कारण को मान दिया, कार्य कारण भाग तो नहीं हमारे पे नहीं है, ठीक है परिणामवाद एक परिणाम। ब्रह्म सूत्र में देखना क्या किया कि पहले परिणामवाद को लेकर के परिणामवाद को लेकर के कार्य कारण अभिन्नत्व को समझाया, कार्य कभी भी कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता है, किस किस किसके सहारे लिया समझाया, परिणामवाद के सहारे समझाया, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाता है, परिणामवाद में दिखाई पड़ता है ना, परंतु फिर बाद में क्या है विवर्तवाद में दिखा। इसी प्रकार भ्रांत वस्तु भी कभी भी अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं हो सकता,
अधिष्ठान के बिना कभी भी भ्रांति नहीं हो सकती। इसीलिए अब क्या हो जाएगा, रज्जु का जो कार्य दिखाई पड़ रहा था रज्जुषा को, वो उसका कारण रज्जु को मानते हैं। वास्तविक दोनों में परिणाम बाद जैसा कार्य कारण भाव नहीं है, परिणाम भाव भाव जैसा कार्य कारण भाव वहां पे नहीं है, परंतु वो सर्प कभी भी रज्जु को छोड़ करके नहीं रह सकता, ये तो निश्चय हो जाता है। ठीक ऐसा ही परिदृश्य हमारी जगत कभी भी उस सच्चिदानंद को छोड़ करके नहीं रह सकता, इतना ही हमारा अभिप्राय है, इतना ही हमको अभिप्राय समझना है। इसलिए बोलते हैं कि बाह्यस्य शब्दादि विषयस्य अविद्या विवर्तत्वेन वस्तु तो अभाव। ये देखिए एक तरफ ये टिप्पणी में किस लिखे हैं कि विवर्त तो बोल रहे हैं और आनंद भी ठीक लिखा विवर्त वस्तु तो अभाव आत्मा, तो वस्तु दृष्टि से रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहे सर्प सर्प का अभाव है अधिष्ठान के हैं, और परिणाम बाद में तो आपको रज्जु मतलब मिट्टी का घर रूप में परिणत होता है, दूध दही रूप में परिणत होता है। आप दूध का दही का अभाव नहीं बोल सकते, सामने दिखाई देगा, परंतु जैसे आप मतलब रज्जु समय में जैसे आप सर्प को देखने जाओगे आपको सर्प नहीं दिखाई देगा, जागृत प्रज्ञा का विषय बना जो वस्तु ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान नहीं है क्योंकि वस्तु को मैं तो पहले ही बोला था। विज्ञान भी वर्तमान यही दिखाई दे रहा है कि इस समय किसी वस्तु की भार किसी वस्तु की गति किसी वस्तु के परिणाम को यदि आप मापना चाहते हो वो रिलेटिवली होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने प्रचंड वेग से 24,600 मील प्रतिदिन के हिसाब से घूमते कितना वेग से घूम रहे हैं, उसके सापेक्ष में आप कोई वस्तु को देख रहे हो, आप हम भी उसी गति में हैं, इसीलिए स्थिर लग रहा है। जैसे जैसे दोनों ट्रेन यदि एक ही दिशा में जाए लगभग एक ही स्पीड में, आप लगेगा दोनों ट्रेन खड़ा हो गया, ठीक ऐसी स्थिति है यहाँ पे। इसीलिए जागृत कोई वस्तु का भी प्रज्ञा उत्पन्न हो भी कोई यथार्थ प्रज्ञा नहीं है, व्यवहारिक काम चल जाता है बस इतना ही मात्र है व्यवहार सिद्ध करने के लिए। तद विषयत्व अभी यथत्व प्रज्ञा न वास्तवम मन वास्तवम है, यहाँ पे जो कहाँ से लगे जो न कहाँ से लाएंगे हम, देखो अभावात में देखो अभावात न, जब आप ढूंढते रहे सर पूछ लेते महाराज कैसे बोल रहे न कहाँ से लाया, ठीक है। बाह्य विषय शब्दादि विषय से अविद्या विवर्तते न वस्तु तो अभाव न तद विषयत्व यथक्त प्रज्ञा वास्तवत, जब उस प्रज्ञा में पारमार्थिकता नहीं है, किंतु प्रातीतिकम वो प्रातीतिक है प्रातिभाषिक है उसको हम मानते हैं। मांडू को कालिका में ध्यान रखना, कभी व्यवहारिक सत्य को मान्यता ही नहीं दिया, वो प्रातिभाषिक ही बोलकर सिद्ध करेगा, अन्य जगह पे व्यवहारिक सत्य तो मांडू को कालिका में व्यवहारिकता भी नहीं है प्रातिभाषिक है, क्योंकि अजातवाद है यहाँ पे हम कोई करेंगे अजातवाद को दिखाएंगे युक्ति के तरफ दिखाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं किंतु प्रातीतिका इति अभिप्रेत्य उक्तम इव, वहाँ पे जो विषय बहिर् विषय इव शब्द क्यों लिया, बाहर विषय है जैसा वास्तविक वहाँ के ना बाहर पारमार्थिक कोई विषय है एक प्रतीति मात्र होता है, वहाँ पे यहाँ पे इव शब्द दिया। न च यथोक्ता प्रज्ञा प्रमाण सिद्ध्या तस्य अनवस्थाना, ये लिखे मैं कल बोल रहा था इस चीज को। अब बताओ कि ये जो प्रज्ञा आपको उत्पन्न हुआ अथवा नहीं हुआ ये किस प्रमाण से सिद्ध हो गया, जो हमारा जो प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि से आपका जो है दर्द हो रहा है, मैं कल बता रहा था ये किस प्रमाण से सिद्ध कर गया, जब किसी को समझाने के लिए केवल मात्र आपका अनुभव सिद्ध है, केवल साक्षी बात कुछ कोई प्रत्यक्ष अनुमान कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ अनुमान क्या हो सकता है, यदि कोई तीव्र पीड़ा हो रहा है शरीर में आपका मुंह में चेहरा में कुछ विकृति और पीड़ा जैसा दिखा उससे समझ में आने व्यक्ति इतना अनुमान कर सकते हैं, मतलब क्या पीड़ा कहाँ पे पीड़ा किसी को आप समझ में जब तक आप अपने आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप बोलते हैं कि न यथोक्ता प्रज्ञा या ये जो प्रज्ञा जो बाहरी उसको ना प्रमाण सिद्ध है, ये कोई प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता, ये भगवान भक्तों का पहले ही बोला सारा प्रमाण अभ्यास करके ही हो चलता है प्रमाण देव तस्सा अनवस्थाना, तस्सा मतलब ये प्रमाण सिद्धत्व अंगीकार प्रमाण, क्योंकि प्रमाण प्रमाण प्रज्ञा यदि प्रमाण सिद्ध के अंगीकार करोगे तो आपका एक प्रकार की प्रज्ञा नहीं होता, प्रज्ञा बदलता रहता है कभी कुछ ऐसा होता है। अभी जिसको मैं देख रहा था थोड़ी देर बाद ये बदल जाता है, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होने का भी चल रहा है, तो हमारी दृष्टि में सूक्ष्मता नहीं है, तब आपको पता लग गया कि सुबह से देख करके एक घंटे में कितना परिवर्तन हो गया,
है कि नहीं, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होता है। तो हमारी दृष्टि में जो भी लोग देख सकते हैं उनको ये सन्निकर्ष, उनको एक जोगी सन्निकर्ष होता है और एक होता है व्यवहारिक सन्निकर्ष। उन लोग देखिए यहाँ पे बैठ करके जो है दूर के भी देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ पे बैठ करके कोई लोग सूक्ष्म वस्तु के भूत प्रेत को भी पकड़ के देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। यानी कि ये जो प्रज्ञा हमारा ठीक प्रज्ञा नहीं है, हम बोलेंगे कुछ नहीं है। जैसे जगह पे बैठ गए हम लोग भोजन करने, भोजन करने जा हमारे बगल में मत खाओ तो क्या हो गया, बोलते रुको जैसे भी है। तो बोलते हैं उनको दिखाई दे रहा है कोई एक व्यक्ति हाथ दूर बैठा हुआ हाथ फैला कर खाना लेने वाला, उनको दिखाई दे रहा है। अब बताओ आप जो है आप, इसीलिए ये जो हमारी प्रज्ञा मैंने दिखाई दिया कुछ नहीं है, एक को दिखाई दिया देख है, तो ये सब अनवस्थित है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि यथक्त प्रज्ञा प्रमाण सिद्ध तस्त प्रमाण सिद्ध अंगीकार अनवस्था ना, तो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो परिवर्तन होता जाता है। दो नंबर टिप्पणी ये बताए तेन साक्षी वेदता से, इसीलिए वो एकमात्र क्या होता है साक्षी वेद, है ना। अंदर जो विद्यमान आपको कैसा बोध हुआ कैसा नहीं हुआ ये केवल आप ही समझ सकते हैं। आप जो है आपका समझ कब सही होगा, जब आप मतलब किसी जगह पे देख लीजिए, जब आप निरपेक्ष होकर के कोई वस्तु को देखते हैं तब आप तक वस्तु संबंधित यथार्थ ज्ञान होता है। इस समय हम देखने के समय हमारे कुछ सापेक्षता है, हम कुछ वेग में है, कुछ भावना है, कुछ संस्कार है, इस प्रकार से उसी अपेक्षा अनुसार हम वस्तु को देखते हैं तो हमें उसी प्रकार दृष्टि होगी, है ना। इसलिए आप बोलते हैं कि तेन साक्षी वेदा शरीर जगतकालीन प्रक्रिया है, जो स्वप्नकालीन प्रक्रिया प्रमाण के तरह सिद्ध नहीं हो सकता, साक्षी जाना सकता सही थी विवक्षिता आहो, किसी को मन में रखते हुए भगवान दास करे बोलते हैं अवभाषमाना, बस केवल प्रतीति होती है आपको, बाहर कोई प्रमाण के तरह आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते, ये बोलते अवभाषमाना। तीन नंबर की मतलब साक्षी भाषा इति अर्थ, ठीक है ना, अवभास मतलब साक्षी, इसको केवल जान सकते हैं साक्षी भाष्य है ये। अच्छा ये हो गया, यहाँ देखिए देखिए पदकृत कर रहे एक एक करके भाष्यकार के पद को आनंद गिरि जी ने खोल के लिख रहे हैं। अच्छा आगे बोलते हैं स्वसमान आकारम उत्पाद, समान आकारम उत्पादयति इति आह। अब जैसा आपने जागृत कालीन जैसा वस्तु को देखा, आपने जागृत कालीन जैसा वस्तु को देखा और उस वस्तु को भोग करते समय तथा वस्तु को मिलते समय आपके अंदर जैसा भावना हुई, समान आकार एक इंप्रेशन वो मन में डाल देता है। इसलिए हम बोलते हैं स्वसमान आकारम, अपने समान आकार का उतना बड़ा साथ में आपका कमरे में, आप बताइए सपने जब देखते हैं आपने हिमालय कमरे में आने का जगह नहीं है, परंतु कमरे के अंदर समान आकार वहाँ पे इंप्रेशन बना दिया। तीसरे हम बोलते हैं कि समान आकारम उत्पादयति, उसके समान एक आकार को अपने अंदर उत्पन्न कर देते हैं। पांच नंबर टिप्पणी, चार नंबर ना छूट गया, यथक्ता प्रज्ञा स अनुपान, हमने एक लाइन छूट गया हमारा। हाँ ये जो कह ना तेन साक्षी वेदता सा इति विवक्षिता अह अवभाषमाना इति, ठीक है ना, इस हाँ ये यहाँ हो गया इति। फिर द्वैत तत्प्रतिभाषयो ये लाइन है, हाँ मैं इस लाइन छूट गया था मेरा। द्वैत तत्प्रतिभाषयो वस्तु तो असत्य हेतु सूचयति, ठीक है ना, कि भेद और उसकी जो प्रतिभाष, भेद और भेद के भेद, बस भेद द्वैत मतलब भेद और तत् प्रतिभाषयो और उनकी जो प्रतिभा, भेद और भेद की जो प्रकृति, इन दोनों का वस्तु तो असत्य पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है, इस विषय में कारण को कहते हैं हेतु सूचयति, क्या है वो कारण, मनस्पंदन इति, ठीक है ना। वहां पे मनस्पंदन मतलब क्या है, एक एक ही वस्तु है परंतु वेग के कारण वो अनेक आकार में दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे पंखा है, तीन ब्लेड है, यहाँ जब एक तेजी से घूमने लगता है अब एक ही एक गोल आकार दिखाई पड़ता है, वेग के कारण आकार में से परिवर्तन हो जाता है। इसी के हमें बोलते हैं द्वैत तत् प्रतिमा सही और वस्तु तो असत्य हेतु सूचयति मनस्पंदन मात्र, है ना, एक मन की एक स्पंदन मात्र है ना, इसी कारण से इस प्रकार प्रतीति होते हैं। यथक्त्या प्रज्ञा स्व अनुरूपा
वासनां स्वसमान आकारं उत्पादयति इति आह। इस प्रकार जागृत कालीन जो प्रज्ञा है ना, यथोक्ता प्रज्ञा, जागृत कालीन अनेक साधन वाला बहिर्विषय जो प्रज्ञा है, यथोक्ता से क्या कह लेंगे, जागृत प्रज्ञा अनेक साधन बहिर्विषय इवाभास माना ये और मनस्पंदन मात्र, ये सब हो गया यथोक्ता प्रज्ञा। वो क्या कहते हैं, स्व अनुरूपां वासनां, यहाँ से परिवर्तन हो, और उस समय भोगकालीन हमारे मन में जिस प्रकार से अनुकूलता प्रतिकूलता की वृद्धि हुई, उस हिसाब तक अनुकूल स्व अनुरूपम वासना, वो जो वासना उत्पन्न हुई अनुकूल प्रतिकूल से वासना थी नहीं, स्व समान आकार जिस प्रकार वस्तु था जो उसके समान आकार उसके अंदर उत्पन्न करते हैं, मतलब मन के अंदर एक इंप्रेशन डालती थी, एक इंप्रेशन डालती थी, और यही क्या करते हैं हमारी जन्मांतर के लिए, जन्मांतर के लिए दुष्ट जन्म क्यों प्राप्त करते हैं, विषय को भोगते समय उस विषय के प्रति हमारा अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि होती है, और अनुकूल वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, प्रतिकूल वस्तु से दूर आने की इच्छा होती है, और यही कारण से हमें दोबारा शरीर लेना पड़ता है, प्राप्ति की भोग की इच्छा रहेगी ना। ये वेदांत उपनिषद में बताया सप्तांग ब्राह्मण में पुरुषो कोई अक्षिति, वहाँ पे ऐसा दृष्टांत दे रहा है, रोज रोज इतना चावल संसार में खाया जाता है, चावल समाप्त क्यों नहीं होता, क्यों नहीं समाप्त होता, सारा विश्व में कितना लोग कितना चावल आटा खा रहे हैं फिर भी समाप्त न क्यों, क्योंकि दोबारा उत्पन्न कर लेता है ना, दोबारा उत्पन्न कर लेता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य इतना भोग रहे फिर भी उसका भोग समाप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि दूसरा भोग की इच्छा तैयार हो जाता है, भोग करते रहता है, भोग की क्षेत्र हो जाते हैं, इसीलिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, इसे बोलते हैं समान आकार उत्पादयति, समान आकार एक संस्कार अपसनात्मक संस्कार उत्पन्न करते हैं, इसे कहा तथा भूतम संस्कार, देखिए वाच का प्रयोग किया, तथा भूतम संस्कार मनसी आधत्ते, वो मन में उसको आधान कर देते है ना, इस व्यवहार करने ये जो सावधानता कहानी चाहिए, यदि ये सावधान हमें क्या है, विषय आने पर भी आप इसके ऊपर आपका हाथ नहीं है, अपने से कोई विषय के संकल्प नहीं करना, किंतु प्रारब्ध से जो विषय आएगा भगवान ने लिख रखा है उसको अपने से नहीं कर सकते, परंतु आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रति आपका पहला जो भावना था अनुकूलता प्रतिकूलता उसको रोक सकते हैं, वो आपका हाथ में है, तब क्या हुआ नया इंप्रेशन नहीं आएगा, तब नया इंप्रेशन नहीं आएगा, नहीं तो फिर उस इंप्रेशन और फॉर्म होता जाएगा, ये मेरे को अच्छा लग रहा था, मिलते ही मेरे मन बोल ये अच्छा है, फिर क्या हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा, उसको भोग करेगा और रहना पड़ेगा, इसीलिए जिस समय हमारा वो खुल गया, मतलब एक विचार दृष्टि खुल गया, विवेक खुल गया, भोग को वस्तु हमारे पास आएगा उसको आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि प्रारब्ध है, परंतु उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा ये आपको स्वतंत्रता है, यहाँ पर आपकी पुरुषकाल है, यहाँ पर हमारी पुरुषकाल है, तो यहाँ पे आप देखना इसी में आएगा अभी भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 31-32 श्लोक में प्रक्षाद्यशब्दी और इंद्रियाणी भगवत जी कृष्ण अपने आप बोलेंगे कि कैसे तुम अपने प्रारब्ध से बाहर आ सकते हो, शास्त्र प्रारब्ध मतलब पुरुषकार और शास्त्र की उपयोगिता क्या है, यदि सभी व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार चलेगा तब पुरुषकार और शास्त्र की उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता है यदि तुम ठीक से विवेक पूर्वक विचार करते हो तो वो समझ में आ जाएगा, वो मधुसूदन बहुत अच्छा समझाएगा आएगा, वो चीज भी इसके साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे द्वैत तत् प्रतिभाषयोर् वस्तुतः सत्य हेतु यथोक्ता प्रज्ञा स्वानुरूपां वासनां, अपने 4 नंबर टिप्पण में स्वानुरूप मतलब समान विषयां है ना, वहाँ पे विषय भोग करते समय तो बोलोगे स्वानुरूप मतलब उस प्रकार के विषय, और विषय को भोग करते समय आपका 3 प्रकार की वृत्ति होती है समझी, एक होता है अनुकूल वृत्ति, एक होता है प्रतिकूल वृत्ति, एक उदासीन वृत्ति, एक उपेक्षा वृत्ति, 4 वृत्ति उदासीन उपेक्षा में एक साथ रख सकते हैं, तो हमको यह ध्यान रखना है कि अच्छा है उदासीन वृत्ति में, उपेक्षा में थोड़ा सा आपका संस्कार नहीं है अच्छा है, मतलब देश भाव आ जाता है, उदासीन वृत्ति ये जो वर्तमान में उदासीन वृत्ति रखो, आया तो आया, गया तो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रारब्ध का खेल हमारे सामने दिखा है, उस भगवान की परीक्षा भी होती है, स्व अनुरूप वासना, अपने अनुरूप वासना का मतलब सर समान विषय, उस विषय को भोग करते समय किस प्रकार से वृत्ति से हमने भोग किया वो भी है ना,
वो आपको उत्पन्न होता है, समान आकार उस आकार वाला उत्पन्न करता है, उत्पादयति। समान आकार में क्या बोलता है कि मनो रूप एक अधिकरण, उस मन रूप एक अधिकरण में योग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। वो भी मन के साथ होता है और उसमें उसके उसके इंप्रेशन जाता है। उत्पादयति तथा भूतम संस्कार मनसि आधत्ते, ठीक है ना, उस प्रकार के संस्कार को मन में आधान करते हैं, ठीक है। यह तक भाष्यकार की पंक्ति फैला लाई, उसका पदकृत कर दिया। फिर आगे टीकाकार बोलते हैं उसका फल क्या हुआ कि जागृत वासना वाषितम, है ना, जागृत कालीन वासनाओं के द्वारा बैठ करके वाषितम मतलब उसको आश्रय करके मनो जागृत वत अवभाषते। उस समय मन जो है जागृत है जैसा प्रतीति होती है, मनो जागृत विषय को लेकर अवभाषते स्वप्न दृष्टु इति एष्टव्यम मनुष्य एव वासनावत स्वप्ने विषयत्व अतिरिक्त विषय अभवत इति आह तथा संस्कृत आगे लाइन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि जाग्रत वासना वाषितम मनो जाग्रत वासनाओं के द्वारा संस्कारित मन वाषितम संस्कारित मन है ना, मन जाग्रतवत अवभाषते, है ना, जाग्रत काल जैसा वो व्यवहार करता है अवभाषते स्वप्न दृष्टुर इति एष्टव्यम, स्वप्न दृष्टने वाले का स्वप्न दृष्टा का मन जैसा जाग्रत काल में है उसे स्वप्न काल में वो सब जगा हुआ है जैसा रहता है एष्टव्य समझे मनुष्य एवं वासना वत, क्योंकि हम एष्टव्य कमा कर देते ये अभिष्ट है। और फिर बोलते हैं मनुष्य एवं वासना वत, वहाँ पे मनुष्य में सृष्टि है कि वासना वाला मन का ही स्वप्ने विषय वही मन स्वप्ने विषय बन जाता है, स्वप्न में विषय भी वही बनता है, स्वप्न में विषय ही वही बनता है, स्वप्न में मन ही विषय भी मतलब विषय इसे बोलते हैं कि मनुष्य एव वासनावत वासना वाला उस मन का ही स्वप्न विषयत्व स्वप्न विषय होने के कारण अतिरिक्त विषय अभाव, क्योंकि वहाँ पे आपके पास दूसरा कोई भी विषय नहीं होता, न तत्रथान रथ योगाना पंथाना मतरथान रथ योगा पंथानम सृजति सही करता, क्योंकि सब हमें बनाने का सामर्थ्य रखते हैं आदि बोलेंगे वहाँ पे, वो सारा सामर्थ्य को अपने सारा उपकरण को साथ में लेकर के जाता है। इति अभावात इति आहो उसी को मन में रखते होते हैं तथा ही बोलते हैं तन मनो, वो मन कौन मन, तन मन से क्या देंगे जिस ना ना जिस मन में जागृत कालीन वासना बैठा हुआ है उस मन, वो मन इसके पहले जागृत कालीन बोलो, इसलिए जिस मन में जागृत कालीन वासना उसका संस्कार बैठा वो मन तन मना ये होता है तत् मन तथा तत् संस्कृत मतलब जागृत कालीन वासनाओं के द्वारा संस्कारित होकर के विषय के संस्कार होकर चित्रित इव पट। अब क्या हो गया चित्रित इव पट, एक पट जिसको पर अपने चित्र बना दिया, आपको क्या दिखेगा पट दिखेगा कि चित्र दिखेगा, पट के ऊपर चित्र बना दिया तो क्या दिखेगा आपको चित्र दिखेगा, पट समझ में नहीं आएगा। अब ये हम भगवान भाष्यकार यही बोलते हैं ये मन चित्र तो पाठ क्या है, अभी चित्र ही दिखाई दे रहा है मन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, चित्र से ही पाठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि आप जैसा जैसा कैसे आपने ड्राइंग बना लिया जागृत काल में बैठ करके, अब क्या हो जाएगा आपको मन नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा विषय दिखाई देगा आपको, चित्र पाठ में क्या दिखाई पड़ता, चित्र दिखाई पड़ता पट नहीं दिखाई पड़ता समझ में नहीं आता, इसलिए हम बोलते हैं कि चित्रित इव तन मन तथा संस्कृत, वो मन उस प्रकार से संस्कृत चित्रित इव पट, है ना, चित्रित पट जैसा बाह्य साधन अनपेक्षम। अब क्या है क्योंकि अब जब चित्रपट आपके सामने आ गया, आप वहाँ पे पहाड़ देखो नदी देखो मकान देखो दुकान देखो, दुकान में आपको सामान खरीद बिका उसके कोई सामान की आवश्यकता नहीं है, सामने दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे चित्र, इसलिए बोलते हैं ये देखो विधर्मता दिखा रहा है, बाह्य साधन अनपेक्षा बाह्य साधन का कोई अपेक्षा नहीं रखे भाष्य में, ठीक है। और तो आता कहाँ से विषय वहां पे अविद्या काम कर्म भी प्रेयमानम, अज्ञान अज्ञान से वासना वासनाओं से कर्म, अविद्या काम कर्म। अब देखिए इन तीनों शब्दों के द्वारा क्या लक्षित हो रहा है स्वप्न में, अविद्या कहाँ है कारण शरीर, अविद्या मतलब कारण शरीर, और काम कहाँ है वासना, वासना मतलब सूक्ष्म शरीर, और कर्म कहाँ है स्थूल शरीर, ठीक है ना, कर्म तो स्थूल शरीर दिखा है। तो अविद्या काम कर्म शब्द प्रयोग किया एक, परंतु उसके तरह लक्षित स्वप्न में भी आपको जो है कारण जानते स्वप्न सूक्ष्म जो है एक कार्य मतलब कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब आपको दिखाई देगा,
इसलिए बोलते हैं अविद्या काम कर्म भी प्रेरियमान, अविद्या काम और कर्म के द्वारा प्रेरित होता हुआ जागृत अवभाषते तन मन जागृत। अन्य कहां से होगा? शुरू में देखिए तन मन जागृत अवभाषते, वो मन जागृत जैसा वहां भी आप जगह भी व्यवहार कर रहे जैसा ऐसा प्रतीति होती है। इस पंक्ति के शुरू कहां से हुआ था? तन मन, ठीक है ना, तन मन, फिर मन का भीषण क्या दिया? तथा संस्कृतम, जागृत वासना का संस्कृत हो गया। दृष्टांत तो क्या दिया? चित्रित इव पटम, ठीक है ना, फिर उसका बाह्य साधन अनपेक्षा मतलब जागृत से विधर्मता दिखा रहे, विषम वैषम्यता दिखा रहे। तो हुआ कैसे? बोलता है अविद्या काम कर्म भी प्रेरियम, ये दोनों में समता है। किन दोनों में? जागृत में और स्वप्न में समता क्या? दोनों में अविद्या काम कर्म बैठा हुआ है, ठीक है ना, प्रेरित प्रेरित होता हुआ। इसीलिए ये समझ जागृत अवभाषित जागृत जैसा प्रतीति होती है उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए फिर, तथा संस्कृतमिति, तीन छह नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा मनोरूप अधिकार, ठीक है, तथा संस्कृत मतलब जागृत प्रज्ञा समान विषय को संस्कार विशिष्ट, ठीक है, जागृत प्रज्ञा, जागृत समान विषय को, जिस विषय का ज्ञान हुआ था उस विषय को विषय करने वाला संस्कार विशिष्ट, उसका संस्कार का तरह विशिष्ट होकर के मन अभिव्यक्त विशिष्ट, इसी अर्थ तथा संस्कृत में इसका अर्थ हो गया तथा। अच्छा ये टीका का लिख रहे, देखिए जागृत वासना वासितम मनो जागृत संस्कृतम तद्वान तद्वत भाति इति अत्र दृष्टांतम। क्या बोला? जागृत वासना वासितम मन, मन का विषय हो गया, क्या विषय हो गया? जागृत कालीन वासनाओं के द्वारा संस्कारित मन, जागृत काल में संस्कारित मन, जिस बोलते इस अर्थ लिखा जागृत संस्कृतम, जागृत संस्कृतम तद्वत भाति, जागृत के समान ही प्रतीति होते हैं, इति अत्र इस विषय में दृष्टांत दे रहा। दृष्टांत क्या दिया? चित्रित इव पट, ठीक है ना, अब आपको पट नहीं दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र पट में आपको पट नहीं दिख समझ में आएगा, चित्र ही समझ में आएगा, ये चित्र पट। अच्छा फिर आगे बोलते हैं दृष्टांत में चित्र पट, जथा अब टीका का लिख रहे करते, जथा पटस चित्रित चित्रपट भाति, जिस प्रकार चित्र पट के ऊपर अपना चित्र बनाया तो आपको पट नहीं दिखाई देगा, चित्र ही दिखाई देगा, सही लगेगा, जैसे आपका सूर्य उदय हो रहा है समुद्र समय ऐसे दिखने लगेगा। पट के ऊपर से होता है कि यथा पटस चित्र पटस चित्रवत चित्रित चित्रित पट, यथा पटस चित्रित, जब पट के ऊपर आपने चित्र बना दिया तब क्या चित्रवत भाती, तब पट क्या होता है? चित्र जैसे प्रतीति होता है, तथा उसी प्रकार मन जागृत संस्कृतम, मन जो है जागृत वासना के द्वारा संस्कृत होकर के तद्वत, आपके पुस्तक में तद्वत के बाद क्या लिखा है? तद्वत भाति, भा लिखा है, भाति, हमारे पुस्तक में भा लिखा नहीं था, हमने उसको लिखना पड़ेगा आपको, तद्वदाति लिखा है, आप दकार के नीचे एक भकार लिख देना, दकार के नीचे एक भकार लिख दो, यहाँ पे है ना, यहाँ जिस लाइन में पढ़ रहे यथा पटस चित्रित चित्रवत भाति, ठीक है, जैसा चित्र पर एक चित्र की कमाने दिखाई पड़ता, पट नहीं दिखाई पड़ता, उसके प्रकार तथा मन जागृत संस्कृतम, जागृत संस्कृतम मन जब तद्वत तद्वत आती दिखाए, तद्वत भाती नीचे भा लिखते हैं, भा लिख दो के नीचे भ कर दीजिए आना मिला करके बात, यदि युक्त ही कहना युक्ति संगत है, इति अर्थ है, इसका अभिप्रेत अर्थ है, इति अर्थ, ठीक है। आगे और बोल रहे हैं कि स्वप्नस्य जागरिता वैधर्मं सूचयति, है ना, स्वप्न क्या हो गया? जागरित उसका विधर्मता क्या है? जागरित में क्या बोलकर कहता है? अनेक साधना बहिर्विषय, यहाँ पे वैध साधन अनपेक्ष, जागृत से विधर्मता क्या हो गया? बाहरी कोई साधन की अपेक्षा नहीं रहता, जागृत में आपको रथ बनाना होगा तो लकड़ी चाहिए, कारपेंटर चाहिए, सब चाहिए, परंतु स्वप्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, मन अकेले सब कुछ बना लेता, ये हो गया दुष्ट विषमता। मैं यही बोला, देखिए इस शैली को ध्यान रखना, ये हमको कोई चीज को समझाने के लिए हमको क्या है, सधर्मता विधर्मता दोनों दिखाना पड़ता है, तो अब समझने वाले की बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा, हमारे फम पक्का बैठ जाए, इसलिए बोलते हैं बाह्य साधन अनपेक्षा, बाहरी किसी साधन का अपेक्षा नहीं रखते हुए ही वो तैयार हो जाता है। तो कैसे तैयार होता है? इसलिए बोलते हैं टीका का फिर लिखता है, यथक्तस्य मनस जागृतवत अनेकथा प्रतिभाने कारणांतरम आह,
ठीक है ना, है तो अकेला मन, ठीक है ना। इसी प्रकार यथत्तस्य मनस, इस प्रकार जागृत वासनाओं के द्वारा भाषित संस्कारित मन, उस मन का जागृत जागृत के समान अनेकता प्रतिभा है। वहां तो अनेकत्व का है, अकेला अनेक की प्रतिभा में, बस यही चीज हमारा जागृत काल में भी है। अकेला शुद्ध चेतन ही तुम हो, परंतु ही अनेक रूप प्रतिभा में, कारण क्या अज्ञावित वासना। इसलिए बोलते हैं कि जागृत वत अनेक तथा प्रतिभा ने कारणांतर भावे कुष्ठ कारण को कहते हैं है अविद्या काम कर्म भी प्रेरियमान। जब तक ये अविद्या काम कर्म के द्वारा हम प्रेरित होते रहेंगे तब तक हमें भेद ही दिखाई पड़ेगा, भेद दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। कारणांतर भाव आगे और बोल रहे हैं टीका में, एक भाष्यकार की पंक्ति को बड़ा सुंदर लिखा था, अविद्या काम कर्म भी प्रेरियमान जागृत वत अवभाषक, जागृत की तरह प्रतीति होती है मन की। नेक्स्ट आगे देखिए, जब उक्तम स्वप्नस्य जागृत जनित वासना जन्यतम तत्र बृहदारण्यक श्रुति प्रमाणयति। ये जो भगवान भाष्यकार तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या बोला, जब उक्तम मतलब जो कहा गया, क्या कहा गया, स्वप्नस्य स्वप्न का जागृत जनित वासना जन्यतम, स्वप्न में क्या क्यों होता है, जागृत से उत्पन्न होता है जो वासना उससे उत्पन्न होता है स्वप्न। इसलिए होता है जागृत जनित वासना जन्यतम, जागृत जैसे उत्पन्न होता है जो वासना मतलब संस्कार, वासनात्मक संस्कार उससे उत्पन्न होता है स्वप्न, जब स्वप्न से। इस विषय में तत्र इस विषय में बृहदारण्यक श्रुति को प्रमाणयति, प्रमाण के रूप में दिखाते हैं भगवान भाष्यकार, प्रमाणयति भगवान भाष्यकार। अब आइए फिर भाष्य में, तथा च उक्तम बृहदारण्यके, तथा च उक्तम अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रामपादाय, इतने बोला यहाँ पे है ना, वहां पे आगे अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रामपादाय स्वयं विहत स्वयं निर्माय शेन भाषा शेन ज्योतिषा प्रसपिति अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। बृहदारण्यक मंत्र है ये मंत्र शंका दिया हुआ आपके पुस्तक में 439 क्या बोलते हैं, अस्य लोकस्य सर्वावत मतलब सर्ववान, जितना होना संभव है इस लोक सब कुछ सब वाला होगा, सर्ववान सब वाला होते हुए मात्रम अपादाय उसका लेश उसका संस्कार को लेकर के स्वयं विहत्व स्वयं निर्माय अपना इस शरीर को मूर्ता जैसे चारपाई के ऊपर फेंक के रखता है और एक नया शरीर बना लेता है। कैसे बनाता है, श्रेन भाषा श्रेन ज्योतिषा अपने प्रकाश के द्वारा अपने को प्रकाशित करता है, बाहर वस्तु भी प्रकाशित करते हैं, प्रसवगति सोता रहता है। अत्र एवं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति, यहाँ पे आकर के पुरुष स्वयं प्रकाश ही समझ में आता है, नहीं प्रकाश कहाँ से आएगा, सबको देखने का विषय प्रकाश करने का प्रकाश कहाँ से आएगा, अपने बत्ती बंद करके सो दिन का प्रकाश नहीं है, बिजली प्रकाश भी नहीं है, इस प्रकार वो मंत्र है। यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो जागृतकालीन वासना लेकर के वो जाता है उसको समझाने के लिए मेन टर्म यहाँ पे सर्वावत, अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रम अपादाय, ये सर्वावत विभक्ति कौन सा होना चाहिए, सर्वावत अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रम अपादाय षष्ठी विष्णु षष्ठी, हाँ इस लोक का सारा विषय को लेकर। अब देखिए टीका में आ जाइए, अस्य लोकस्य इति जागृत उक्ति, अस्य लोकस्य क्या आ गया, जागृत कालीन व्यवहार कर लिया, तस्य विशेषण जागृत काल का विशेषण हो गया सर्वावत। तो इसीलिए देखिए यानी कि ये अस्य लोकस्य षष्ठी विभक्ति है तो विशेषण भी उसी विभक्ति होना चाहिए, इसलिए सर्वावत प्रतिपादिक षष्ठी वचन सर्वावत, कुछ का विशेषण सर्वावत इति, ठीक है। अब क्या हो गया, इति सर्व साधना संपत्ति अस्मिन् अस्ति इति सर्ववान, ठीक है। क्या लिखा आपका पुस्तक में, सर्व साधना संपत्ति अस्मिन् अस्ति, ये लिखा है ना, कोई चीज को बनाने के लिए जितना साधन चाहिए सारा साधन इनके पास है। स्वप्न काल में कोई चीज को बनाने के लिए आपको ईंट काठ लकड़ी पत्थर सीमेंट सरिया सब चीज इनके पास है, इसलिए मतलब सर्व साधना संपत्ति अस्मिन् अस्ति स्वप्न अवस्था में विद्यमान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर्ववान, क्या बोला वो सर्ववान, ठीक है ना, सर्ववान एव सर्ववान, ठीक है ना, सर्व यहाँ पे सर्ववान एव सर्ववान, यहाँ पे पहले क्या करना, क्या लिखा, सर्ववान में कॉमा लगा देना,
जिस प्रकार वैश्य विश्वानर एव वैश्वानर वयस एव वायस रक्षस एव राक्षस इसी प्रकार सर्ववत एव सर्वावत ठीक है ना वहां आकार आ जाते हैं वहां पे सर्ववत हो जाते इसलिए सर्वमान क्या है वहां पे सर्वमान सर्ववत शब्द का प्रथम एक वचन में सर्वमान इस महत शब्द का महान इस प्रकार सर्वमान हो गया सर्वमान होने के बाद अच्छा भगवत शब्द का पहला क्या होता है भगवान भगवान आप यहाँ पे दो अलग अलग पद है सर्वमान इसलिए भगवत उसी प्रकार सर्ववत वो सर्व साधना हो आप यहाँ पे भगवान में भगवान नहीं हो भगवान में यहाँ पे सर्वमान हो गया वहां पर यहाँ पे बोलता है कि ये क्या हुआ कि वही है सर्वमान एवं सर्वमान निपात अंश हो सकते हैं यदि किसी का नाम को लेकर के बोलोगे तो नरे संगायंश हो जाएगा पहले आया था जिस प्रकार वैश्यनर बोलते हैं ऐसे इसलिए बोलते हैं निपाता नहीं अधिकतर लगते हैं हमको तो हम बोलते हैं सर्ववान वहां पे कॉमा काट देना सर्ववान एव सर्ववान ठीक है जो सर्ववान है वही सर्ववान है तस् मात्रा मात्रा मतलब कर देगा लेश मतलब संस्कारात्मक लेश वासना ताम अपादाय मतलब अपच्छिद उसको अलग कर लेते हैं गृहित्वा स्वपिति वासना प्रधानम स्वप्न अनुभवति मैं बोला वहां पे इसका आगे क्या है कि अस्य लोकस्य सर्ववत् मात्रम् अपादाय फिर आगे स्वयं विहत्व स्वयं निर्माय शेन भाषा शेन ज्योतिष प्रसपति ऐसा मंत्र जैसे स्वपिति यहाँ पे आके यहाँ पे आकर के पूरा होता है स्वपिति मतलब सो जाता है वासना प्रधानम स्वप्न अनुभवति इति अर्थ वासना प्रधान स्वप्न को अनुभव करता है वहां पे समझ में आया सर्वा साधन संपत्ति अस्मिन् अस्ति संपूर्ण सारा सृष्टि को बनाने के लिए जितना साधन चाहिए सारा साधन उनके पास विद्यमान है इसीलिए उसका नाम क्या हो गया सर्ववान जिसके पास जिस धनवान मतलब क्या है धन वाला अब सर्ववान मतलब सब कुछ वाला जिसका कुछ भी चीज को बनाने के लिए जितना चाहिए सपने सपनों को भी स्वप्न अभिमानी चेतन के पास सब कुछ विद्यमान है अच्छा अब सर्वमान एवं सर्ववान ऐसा प्रयोग हुआ है प्रतिपदिक है सर्ववत इस धनवत प्रतिपदिक है भगवत ऐश्वर्य वाला चाहे ऐश्वर्य वाला ठीक है ना उसका षष्ठी एक वचन भगवत इसमें सर्ववत हो गया इसलिए बोलते हैं कि सर्ववान एवं सर्ववान अब क्या हुआ यहाँ पे सर्व इसकी तीनों का अर्थ हो गया अस्य लोकस्य सर्ववत इसका अर्थ कर दिया अंग्रेजी ने आगे क्या मात्रा अपादाय भाष्य में है ना उसका अर्थ लिख रहे देखिए मात्रा मतलब हो गया लेश मतलब आपके पास और भी है कई चीज है पर हर चीज का संस्कार उसमें उद्भूत नहीं होता उसका एक टुकड़ा को लेकर के जो वासना तीव्र था उस टुकड़ा को लेकर के होता है लेश संस्कारात्मक जो लेश वासना ताम अपादाय अपादाय मतलब हम पहले क्या बोलते अपादाय मतलब लेकर अपच्छिद उसको अलग करके मतलब गृहित्वा अनेक जन्म के संस्कार वासना बैठा हुआ है एक साथ सारा निकालता नहीं है जिस वासना तीव्र होकर फल इस समय इस शरीर में अनेक जन्म के सब कर्म भोगना पड़ता है परंतु जिस कर्म को मुख हो जाता है फल देने के लिए तद अनुकूल विषम जागृत में भोगते हैं इसी प्रकार स्वप्न काल में भी क्या होता है अनेक जन्म के अनेक कर्म के संस्कार अंदर वासना के संस्कार बैठे हुए अब जिस प्रकार की वासना के स्थिति सुख सुख मतलब स्वप्न में सुख दुख का भोग होता है हमको दुख भोगने का वासना का दुख वासना उद्भूत होगा सुख भोगने का तो अच्छी घटना आ जाएगा दिखने लग जाएगा जरूरी नहीं है कभी क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर एक ही है सूक्ष्म शरीर तो एक ही है कि नहीं कोई भी जन्म मैं कई बार देखा मैं अब ये नहीं जिंदा मेरी माता जी जिंदा है मेरी माता जी मर गई से पहले मतलब से पहले अपना मृत्यु चिंता इतना तीव्र हो रहा था सारा संसार को मैं मार दिया मन ही मन कई बार देखते थे ऐसा देखते थे तब मैं सोचा कि ये जो है इस जन्म का नहीं है जन्मांतर में कई बार पिता माता गुजर गया था उसका संस्कार से दिखाई दे रहा है उसका संस्कार से इसलिए एक जन्म का नहीं है मैं बोला ना अंधा व्यक्ति भी जन्मांध व्यक्ति स्वप्न देखता है यानी कि जन्मांतर में जो संस्कार है वो देखता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सर्वमय सात नंबर टिप्पणी में सर्ववान सर्ववान एव इति एतत् अधिकम यहाँ पे तो एक शब्द अधिकम होता सर्ववान को यहाँ पे अधिक सर्ववान एव सर्ववान ठीक है ना सर्ववान एव सर्ववान
इतना तस्य मात्रा लेश वाचनम तम अपादाय अपच्छिद भी तस्य अपिति वाचना प्रधानम मतलब वाचना प्रधान स्वप्न को वो अनुभव करते हैं, है ना। इसमें प्रधानता किसकी है? वाचना की। ये चीज को समझ लीजिए, यहाँ भी ये समझ में आ जाता है ना, जागृत काल में भी हम वाचना प्रधान ही भोग करते हैं, जागृत कालीन भोग भी हमारा ही वाचना कौन सा, भगवान हमारे पास लाते हैं, वाचना प्रधान स्वप्न को अनुभवती अर्थ। ठीक है, समझ हो गया पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं यत् प्रज्ञालोकाभास प्रतिहति अवगमत् शान्तस्तु मोहान्धकार मज्जोन्मज्ज च घोरे अशक्ति उपजन उदनवति त्राशनेमे यत्पादौ अस्कितानां श्रुतिशमविनय प्राप्तिरग्राह्य मोघा तत्पादौ पावनीयौ भव हरे विमलौ सर्वभावैर्नमस्ते शंकर।